हेलो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में आप सभी को इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस सर्विस को ज्वाइन करने के क्या क्या बेनिफिट हैं और ये सर्विस हमें क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी दे दूँ इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में आप सभी को कि इंडियन फॉरेन सर्विस में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा UPSC का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसमें जो अच्छी रैंक लेके आते हैं 100-150 के आसपास, तो उन्हें इंडियन फॉरेन सर्विस मिल जाती है। और इस सर्विस को ज्वाइन करने के बाद अगर आप एम्बेसी में जाते हैं तो आपको जो सबसे पहले पोस्ट मिलेगी वो थेट सेक्रेटरी की मिलेगी। और आप यहीं इंडिया में MEA में होंगे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो आपको जो पोस्ट मिलेगी वो अंडर सेक्रेटरी की मिलेगी। मतलब UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ज़रूरी है सर्विस के लिए। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि ये सर्विस हमें क्यों चुननी चाहिए, क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, वर्क इन फॉरेन। तो जो भी IFS ऑफिसर होते हैं उन्हें फॉरेन में वर्क करने का मौका मिलता है। वो अपनी लाइफ में मैक्सिमम टाइम ऑफ सर्विस फॉरेन में निकालते हैं। वो इधर से उधर कई कंट्रियों में जाते रहते हैं और उन कंट्री में जाके उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो IAS और IPS होते हैं उन्हीं की ज़्यादा पावर होती है, वही सब कुछ होते हैं। IFS ऑफिसर भी बहुत अच्छी सर्विस है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप अलग अलग कंट्री में जाते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और आपकी पर्सनैलिटी और सब कुछ डेवलप हो जाता है एक तरह से। और एक तरह से जिसे एडवेंचर बहुत पसंद होता है उनके लिए सर्विस बेस्ट है। दूसरा जो बेनिफिट है वो है सैलरी। आप सभी को पता है सारी सर्विस में सबसे ज़्यादा सैलरी होती है IFS ऑफिसर की होती है, क्योंकि वो जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ का अलाउंस वगैरह बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। तो एक तरह से बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है और उन्हें मतलब पैसों से रिलेटेड और फैसिलिटी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होती है अपनी पूरी सर्विस में। छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ आप सभी को कि Unacademy पे फ्री क्लासेस और स्पेशल सीरीज चल रही है अभिषेक सराफ जी द्वारा, जिनकी ऑल इंडिया 8th रैंक आई है 2019 में। और इस क्लासेस में इन्होंने बताया कि हम किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें और अच्छी रैंक लेके आएँ। और चार बार इन्होंने UPSC क्रैक किया है। 2017 में 402 रैंक थी, 2018 में 248 और इस बार इनकी 8th रैंक आई है। तो इन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी अपनी बताई है और देखिए इसमें आपको क्या क्या बताया गया है। ये प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, मेंस से रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड और ऐसी राइटिंग, मतलब सारी डिटेल आपको मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी वीडियो है। और ये सारी क्लासेस देखिए इंग्लिश में है, आप इसे और आप इसे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री। ये देखिए प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजी की कुछ वीडियो हैं, उसके अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियो हैं और साथ ही साथ एस राइटिंग की वीडियो है। तो ये स्पेशल क्लास बिल्कुल मिस मत करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी जाके देखिए और फ़ायदा उठाइए और अपना ड्रीम पूरा करिए। बेनिफिट है वो है पर्सनैलिटी। तो IFS ऑफिसर की जो पर्सनैलिटी होती है सारी सर्विसों के जो ऑफिसर होते हैं उनके कंपेयर में कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। उनकी पर्सनैलिटी, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है जब वो फॉरेन में वर्क करते हैं और जो इंटरनेशनल मीटिंग वगैरह अटेम्प्ट करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस, उनकी पर्सनैलिटी सब कुछ डेवलप हो जाता है। और ये एक सही में बेनिफिट वाला पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है फैसिलिटी। तो IFS ऑफिसर को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। वो जब फॉरेन में वर्क करते हैं तो उनके जो कार मिलती है लग्जरी कार मिलती है, आप मानिए ना मानिए, मर्सिडीज़, ऑडी, BMW, इन सारी इस तरह की इन्हें कार मिलती है। उनका हाउस होता है काफ़ी अच्छा बना होता है और सिक्योरिटी भी इन्हें बहुत अच्छी दी जाती है, क्योंकि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके वर्क दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो जिस कंट्री में वो सर्विस कर रहे हैं उस कंट्री की जिम्मेदारी होती है, तो वो उन्हें पूरी अच्छी फैसिलिटी देते हैं। और कहीं ना कहीं उनके फैमिली वालों को भी, जो भी वाइफ होती हैं या जो भी, तो उन सभी को भी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। और अगला जो पॉइंट है वो है टैक्स और पासपोर्ट। तो जो IFS ऑफिसर होते हैं उन्हें टैक्स पे नहीं करना होता है और उनका जो पासपोर्ट का रंग होता है वो मैरून कलर होता है। तो सभी डिप्लोमेट्स का जो पासपोर्ट होता है इस कलर का होता है, वो इसे भी एक तरह से बेनिफिट की तरह हम मान सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, नो प्रेशर ऑफ नेता मंत्री। तो जो IFS ऑफिसर होते हैं वो खुल के काम करते हैं, जैसे अदर ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर नेता मंत्री का प्रेशर होता है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन IFS ऑफिसर के ऊपर इस तरह का प्रेशर नहीं मिलता है और वो नेता मंत्री की सुनते भी नहीं है, वो अपना काम से काम रखते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट का पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है, वर्क फ्रॉम ओन कंट्री। तो जिस कंट्री से वो आए हैं एग्ज़ाम देके दूसरी कंट्री में सर्विस करने के लिए, तो
तो उन्हें एक बहुत बड़ा मौका मिलता है अपने देश के लिए काम करने का। और सही बताऊँ सबसे ज़्यादा अपने देश के लिए जो काम करते हैं वो IFS ऑफिसर करते हैं, क्योंकि वो जब जिस देश में जाते हैं वहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या अच्छी चीज़ है, कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो मैं अपने देश में अप्लाई करूँ तो मेरा देश तरक्की कर सके। ये मेट्रो वगैरह ये जितनी भी अच्छी अच्छी पॉलिसी हैं ये दूसरे देश की ही पॉलिसी हैं, और हमारा जो डेवलप हो रहा है देश IFS ऑफिसर का बहुत बड़ा हाथ होता है इनमें। अगर वो ऑफिसर ना हो तो देश जहाँ है वहीं पे रहेगा, कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, आप मानो या ना मानो। तो इस तरह से IFS ऑफिसर बहुत ज़रूरी हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको मैंने इस तरह से एक्सप्लेन कर दी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलता है अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।